बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, नेशनल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन में बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या तलीब रिक्वायर्ड है, क्या एज रिक्वायर्ड है, कैसे आपने अप्लाई करना है, कंप्लीट गाइडलाइंस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए मटीरियल डेली इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगन। गाइज, ये एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहली पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट। गाइज, टोटल 14 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ये फर्दर आप प्रोविंस वाइज कोटा भी चेक कर सकते हैं, पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान। इसके अलावा एज की बात कर लेते हैं, 35 ईयर तक आपकी एज रिक्वायर्ड है। देन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, अगर आपने बीए मीन के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीएससी, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल मीन के मेजर सब्जेक्ट है ना आपका ग्रेजुएशन में मीन के टेली कम्युनिकेशन और कंप्यूटर में, तो गाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर गाइज, सेकंड पोस्ट का भी चेक कर लेते हैं, इंजीनियरिंग सुपरवाइजर। गाइज, 25 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ये आप फर्दर कोटा वाइज चेक भी कर सकते हैं प्रोविंस के अकॉर्डिंग। 30 इसमें एज रिक्वायर्ड है, ऊपर वाली में 35, इसमें 30 तक एज रिक्वायर्ड है। मैट्रिक विथ 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या आईटी की ब्रांच में किया हुआ है, तो गाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर गाइज, क्वेश्चन रेज होता है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। गाइज, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। और कैसे गाइज, नेशनल जॉब्स पोर्टल पर आपने जाना है। गाइज, उसका वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट गाइज अप्लाई करने की 16/11/2022 है। तो गाइज, ये थी छोटी सी अपडेट जॉब्स के वाले से। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। वैसे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं इंशाल्लाह फर्दर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइज, आखिर भाई यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।